दोस्तों, अभी तक आपने इंसानों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में ही सुना या पढ़ा होगा। हालांकि लड़ाई दूसरे जानवर भी लड़ते हैं, लेकिन अन्य जानवरों की लड़ाई इंसानों की भांति रणनीति एवं योजनाएं बनाकर नहीं होती, परंतु एक लंबे समय तक चल रहे शोध के बाद हमें ये जानकारी हुई है कि चिंपांजी नाम का एक बुद्धिमान वानर भी इंसानों की ही भांति बेहद सोच समझकर एवं योजनाएं बनाकर हमला करता है। हालांकि चिंपांजियों के एक झुंड की लड़ाई अभी तक चिंपांजियों के दूसरे झुंड के साथ ही होती देखी गई है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे दिलचस्प वाक्य देखने में हैं जिनसे पता चलता है कि इस वानर ने अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदार गोरिल्ला के खिलाफ ही युद्ध का आह्वान कर दिया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस बारे में विस्तार से जानते हैं और साथ ही ये समझने का भी प्रयास करते हैं कि चिंपांजी और गोरिल्ला के मध्य हो रही इन लड़ाइयों में कौन से वानर के विजय होने की संभावना बनती है। वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से भी अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, मध्य अफ्रीका के वर्षा वनों से घिरा एक छोटा सा देश है गबोन। शायद ही आपने इस देश का नाम पहले कभी सुना हो, किंतु गबोन अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अमीर देशों में शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ कच्चे तेल का उत्पादन काफ़ी अधिक है। अब इस देश की एक और खासियत है, वो ये कि यहाँ चिंपांजी एवं गोरिल्ला दोनों ही वानरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और 6 फरवरी 2019 को गबोन देश में एक बड़ी ही अनोखी घटना इन दोनों ही वानर प्रजातियों के मध्य में घटी। यहाँ 27 चिंपांजियों के एक समूह ने मिलकर 5 माउंटेन गोरिल्ला के समूह पर हमला बोल दिया। इन 5 गोरिल्लाओं के समूह में 3 वयस्क मादाएं एवं एक छोटा बच्चा शामिल था। यानी हमलावर चिंपांजियों का सामना करने के लिए यहां अकेला एक ही बड़े आकार का सिल्वर बैक नर गोरिल्ला था। हम जानते हैं कि गोरिल्ला बेहद ही ताकतवर होते हैं, लेकिन भला एक अकेला गोरिल्ला 27 चिंपांजियों का मुकाबला कैसे कर पाता। लेकिन फिर भी इस गोरिल्ला ने बड़ी ही बहादुरी से हमलावर चिंपांजियों का सामना किया। यहां तक कि उसने करीब 5 चिंपांजियों को बुरी तरह से घायल भी कर दिया। लेकिन लगभग 52 मिनटों तक चली इस लड़ाई में आखिरकार गोरिल्ला थककर पस्त हो गया और मजबूरन इस बेचारे को अपना पूरा समूह हमलावर चिंपांजियों के रहमो करम पर छोड़कर पीछे हटना पड़ा। बाद में चिंपांजियों ने इस गोरिल्ला के छोटे शिशु को मार डाला, मादाओं को घायल करके भगा दिया और उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। कुछ ऐसी ही घटना पिछले साल दिसंबर माह में युगांडा में भी घटी थी। यहाँ भी चिंपांजियों के एक बड़े समूह ने गोरिल्ला के एक परिवार पर हमला करके एक छोटे गोरिल्ला को मार डाला था। आप अभी अपनी स्क्रीन पर उक्त घटना की ही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को जंगल में गए कुछ शोधकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि चिंपांजियों द्वारा किए गए इस तरह के हमलों के कारणों को जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि चिंपांजी और गोरिल्ला दोनों ही जीव इंसानों से बेहद दूर घने जंगलों में निवास करते हैं और हम इनके व्यवहार के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि चिंपांजी भी हम इंसानों की ही तरह संसाधनों पर कब्जा करने के लिए गोरिल्लाओं पर हमला करते हैं। वैसे मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में चिंपांजी और गोरिल्ला अमूमन अब तक तो शांति से ही रहते देखे गए थे। इन दोनों ही वानरों के रहने के स्थान भी परस्पर एक दूसरे के क्षेत्र के समीप होते हैं। कई बार तो गोरिल्ला और चिंपांजियों के समूह को एक ही पेड़ की डाल से भोजन आदि लेते हुए भी देखा गया है। आमतौर पर ये दोनों ही जीव एक दूसरे से संघर्ष करने से बचते हैं। हालांकि अक्सर चिंपांजियों को आक्रामक रूप से अन्य चिंपांजियों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन चिंपांजी गोरिल्ला के साथ लड़ने का जोखिम नहीं उठाते, क्योंकि किसी गोरिल्ला के सामने कोई चिंपांजी कहीं भी नहीं ठहर सकता। सीधे खड़े होने पर चिंपांजी जहां करीब 3 से 3.5 फीट ऊंचाई हासिल कर पाते हैं, वहीं यदि वजन की बात की जाए तो एक चिंपांजी का वजन 50 से 70 किलोग्राम तक हो जाता है। कुछ एक बड़े आकार के नर अधिकतम 80 किलोग्राम तक भी भारी हो सकते हैं, किंतु दूसरी ओर गोरिल्ला 6 फीट ऊंचाई लिए बेहद मजबूत मांसपेशियों वाले वानर माने जाते हैं। इनका वजन 200 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। एक गोरिल्ला इतना ताकतवर होता है कि अपने एक ही प्रहार से किसी चिंपांजी की खोपड़ी तक को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में यह पाया गया है कि गोरिल्ला चिंपांजियों के मुकाबले काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। ये जल्दी सी लड़ाई नहीं करते। दूसरी ओर चिंपांजी बेहद आक्रामक वानर है। इनके समूह के सदस्यों के मध्य में एक दूसरे के साथ हिंसा एवं मार पिटाई होना काफ़ी आम बात है। कई बार तो इन्हें अपने साथियों को गुस्से से मारकर उनका मांस तक भी खाते हुए देखा गया है। चिंपांजियों में लड़ाई कुशलता भी कहीं अधिक होती है। ये कई बार इंसानों पर भी हमला कर देते हैं और इंसानों पर हमला करते समय चिंपांजी मुख्य रूप से हमारी उंगलियों और चेहरे को निशाना बनाते हैं। ये बुरी तरह से उंगलियों को चबाते हुए उंगलियों को हथेली से अलग भी कर देते हैं ताकि इनका विरोधी हमला करने की स्थिति में ना रहे। जब दो चिंपांजियों की लड़ाई होती है तो ज़्यादातर मौकों पर यह लड़ाई किसी एक चिंपांजी की मौत के साथ ही समाप्त होती है। चिंपांजी अपनी लड़ाई में पेड़ों की टहनियों यानी लाठियों के साथ साथ पत्थरों का भी प्रयोग करते हैं। चिंपांजियों का एक समूह दूसरे समूह की मादा को पाने
के लिए पूरी रणनीति बनाकर हमला करता है। वास्तव में इनका हमला सिर्फ हमला न होकर एक प्रकार का युद्ध होता है। पहले एक चिंपांजी दूसरे समूह की ओर जाता है और छुपकर दूसरे समूह के नर चिंपांजियों की संख्या एवं आकार का अंदाजा लगाता है। यदि इस चिंपांजी को ये लगता है कि दूसरे समूह में नर संख्या में कम और कमजोर है तो ये चिंपांजी वापस अपने समूह में आकर समूह के बाकी सदस्यों को इस बारे में जानकारी देता है और उसके बाद ये सारे चिंपांजी मिलकर उस दूसरे समूह को चारों ओर से घेर कर एक साथ हमला करते हैं। चिंपांजियों के युद्ध इतने हिंसक होते हैं कि यूट्यूब की पॉलिसी के चलते ऐसी लड़ाइयों की वीडियो आपको दिखाई नहीं जा सकती। वानरों का अध्ययन करने वाले अधिकतर प्राइमेटोलॉजिस्ट के अनुसार चिंपांजियों के युद्ध को देखना बड़ा ही कठिन और परेशान कर देने वाला कार्य है। ये वानर बेहद क्रूरता से अपने दुश्मनों को मारते हैं और इनकी लड़ाइयों के खूनी दृश्य मन को झकझोर देते हैं। दोस्तों, आमतौर पर चिंपांजी लगातार शोर मचाते रहते हैं, परंतु ये देखा गया है कि जब ये युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो सारे चिंपांजी बड़े ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ सुनकर उनका दुश्मन भाग खड़ा हो। ये ऊंचे टीलों या पेड़ों से होकर गुजरते हैं ताकि इन ऊंचाई वाले स्थानों से अचानक छलांग लगाकर दुश्मन को पूरी तरह से परास्त किया जा सके। चिंपांजी बीच में रुक रुक कर पूरी स्थिति का मुआयना करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। ये लगातार अपने दुश्मनों की हरकत एवं आवाज़ पर पैनी निगाह रखते हैं। अभी तक ये माना जाता था कि इस तरह से रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ने का हुनर केवल हम मनुष्यों में ही पाया जाता है, परंतु वास्तव में ये गुण चिंपांजियों के भीतर भी विद्यमान है। इस गुण के अलावा चिंपांजियों में हथियारों को इस्तेमाल करने की भी अद्भुत क्षमता है। ये अन्य जीवों को मारने के लिए उपकरण बनाते हुए देखे जा सकते हैं। ये पेड़ की शाखाओं की सहायता से दीमकों को उनके बिलों से निकालकर खा जाते हैं। चिंपांजी न सिर्फ पेड़ की शाखा को लाठी के समान इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कई बार तो ये पेड़ की शाखा को अपने दांतों से नुकीला कर उसे किसी भाले के समान भी प्रयोग में ले लेते हैं। एक बार तो एक चिंपांजी को नुकीली लकड़ी की मदद के द्वारा नदी में से मछली पकड़ते हुए भी देखा गया था। आप इस वीडियो में देखें कैसे ये चिंपांजी एक लकड़ी की सहायता से पेड़ के गड्ढे में छुपे एक छोटे बंदर के बच्चे को मारने की कोशिश में लगा हुआ है। ये लगातार अपने दांतों से टहनी को पैना कर रहा है और बेचारे बंदर के बच्चे पर वार करके उसे घायल करने पर तुला हुआ है। निश्चित रूप से चिंपांजियों की युद्ध कला और हथियार गोरिल्ला के साथ इनकी मुठभेड़ में काम के सिद्ध होंगे, लेकिन फिर भी गोरिल्ला की ताकत को ध्यान में रखते हुए चिंपांजी गोरिल्ला के साथ लड़ाई करने से बचते ही आए हैं। परंतु ऐसा लगता है कि मानव के अतिक्रमण के कारण अब जंगलों में भोजन की कमी हो गई है और शायद अब चिंपांजियों को ये लगने लगा है कि यदि गोरिल्लाओं को जंगलों से खदेड़ डाले तो पूरे जंगल और जंगल में मौजूद तमाम संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा होगा। लेकिन क्या यह लड़ाई चिंपांजियों के लिए आसान रहेगी? अब लगता तो ऐसा ही है। अभी तक गोरिल्ला एवं चिंपांजियों के बीच जितने भी संघर्ष घटित होते हुए देखे गए हैं उन सभी में चिंपांजियों का पलड़ा ही भारी दिखाई पड़ा है। चिंपांजी योजनाबद्ध तरीके से हमला करते हैं जिस वजह से गोरिल्लाओं को इनके साथ हुई लड़ाई में मुंह की खानी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोरिल्ला बुद्धिमान नहीं होते। ये देखा गया है कि यदि इंसानों के साथ रहकर कुछ नया सीखना हो तो गोरिल्ला चिंपांजियों से कहीं अधिक जल्दी सीखने की क्षमता रखते हैं और दूसरी बात गोरिल्ला की ताकत उन्हें किसी भी चिंपांजी पर हावी कर देती है। किंतु स्वभाव से गोरिल्ला कहीं शांत प्राणी है, ये केवल उकसाए जाने पर ही हमला करते हैं। गोरिल्लाओं के समूह के भीतर झगड़े भी बेहद कम होते हैं। नर गोरिल्ला जब मादाओं के लिए लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई भी केवल एक दूसरे की ताकत परखने तक ही सीमित होती है, ना कि एक दूसरे को शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की। गोरिल्ला लड़ने से पहले जोरों से अपनी छाती पीटते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी गोरिल्ला के द्वारा छाती पीटने से निकली आवाज उस गोरिल्ला के आकार पर निर्भर करती है, यानी जो गोरिल्ला जितने बड़े आकार का होगा उसकी छाती पीटने से आवाज भी उतनी ही अधिक तेज होगी, जिससे दूसरा गोरिल्ला समझ जाता है कि उसका सामना ताकतवर दुश्मन से हो रहा है और वो बिना लड़ाई के ही पीछे हट जाता है। यानी ज्यादातर मौकों पर ताकतवर वानर का काम बिना लड़ाई के ही चल जाता है। अब इसका कारण गोरिल्ला का शांत स्वभाव ही है कि बुद्धिमान होने के बावजूद भी इनमें युद्ध नीति या हथियार बनाने की क्षमता नहीं उभर पाई। चूंकि ये प्राकृतिक रूप से हिंसक नहीं है, इसलिए इनके एक झुंड में नरों की संख्या भी कम ही रहती है। यदि एक अकेले चिंपांजी की लड़ाई किसी अकेले गोरिल्ला से होती है तो चिंपांजी शायद एक मिनट भी गोरिल्ला के सामने टिक नहीं पाएगा। परंतु जहां एक और गोरिल्लाओं के समूह में नरों की अधिकतम संख्या 1 से 5 ही होती है, वहीं दूसरी ओर चिंपांजियों के समूह में जवान नरों की संख्या 20 से 30 तक भी हो सकती है और अपने इसी समूह की ताकत के कारण चिंपांजी गोरिल्लाओं को लोहे के चने चबवा सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि ये दोनों वानर हमेशा ही लड़ते हों। चिंपांजी गोरिल्ला की ताकत को समझते हुए ज्यादातर मौकों पर उनसे दूर ही रहते हैं और कई बार तो चिंपांजी और गोरिल्ला बेहद ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हाल ही में कांगो गणराज्य के एक राष्ट्रीय उद्यान
वुहान में चिंपांजी और गोरिल्लाओं को एक साथ रहते हुए देखा गया है। यहाँ ये दोनों ही वानर करीब 20 वर्षों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। ये एक साथ खेलते, खाते और घूमते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन गोरिल्लाओं और चिंपांजियों की ये दोस्ती इतनी पक्की है कि इनमें से चाहे कोई भी फल तोड़े, ये हमेशा फलों को एक दूसरे के साथ बांटकर ही खाते हैं। यहाँ तक एक बार इनके इलाके में एक तेंदुए ने घुसपैठ की और इस तेंदुए ने मौका पाकर एक अकेले चिंपांजी पर हमला करने की कोशिश भी की, परंतु तभी वहाँ चिंपांजी का गोरिल्ला दोस्त तुरंत अपने साथी की मदद को आ पहुँचा और चट्टान के समान तेंदुए के ठीक सामने खड़ा हो गया, जिस कारण तेंदुए को भागना पड़ा। देखा जाए तो चिंपांजी और गोरिल्लाओं की इस जोड़ी से इन वानरों की बाकी के प्रजाति के सदस्यों को भी सीखने की आवश्यकता है। लड़ाई में दुश्मनी कभी खुशी नहीं देती। आप आज इससे लड़ रहे हैं तो कल उससे लड़ना पड़ेगा। आप आज जीत रहे हैं तो कल हारना पड़ेगा। जबकि सच्ची दोस्ती में ना कोई जीत होती है और ना ही हार, क्योंकि यहाँ अपनी जीत से अधिक खुशी दूसरों की जीत से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ते वक्त के साथ सभी गोरिल्ला एवं चिंपांजी अपना खूनी संघर्ष छोड़कर दोस्ती करते हुए मिलजुल कर रहना सीख लेंगे। यदि आप भी ये चाहते हैं कि मानव के बाद धरती के ये सबसे बुद्धिमान प्राणी मिलजुल कर रहे, तो वीडियो के नीचे दिया गया लाइक बटन दबाकर मुझे सूचित अवश्य करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।